हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आप ये देखोगे हमारे पास एक लैपटॉप आया एचपी 15BS, इसमें एरर क्या आ रहा है, हमारा फैन सही से काम नहीं कर रहा है। मॉडल जो है इसका एचपी 15BS है और इसमें एरर फैन का आ रहा है, सिस्टम फैन एरर 90। तो आप खोल के हम इसको दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। इसमें होगा हमारा फैन भी खराब हो सकता है और हो सकता है कि हमारे फैन में कुछ फंस जाता है जिसकी वजह से हमारा फैन काम करना बंद कर देता है। और हम एक बात और इस वीडियो में आपको बताएंगे, जब आप लैपटॉप के फैन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप लैपटॉप को यूज ना करें, क्योंकि इसी फैन की वजह से सारा कूलिंग सिस्टम होता है इसका। थोड़ा भी ये हीट होकर चल गया तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं, तो इसलिए आप यूज ना करें अपने लैपटॉप को जब आपके फैन में कुछ प्रॉब्लम हो। कोई भी इमरजेंसी काम हो, ज्यादा देर मत चलाएं, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट के लिए चला सकते हैं, रेगुलर यूज मत करें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब हम इस लैपटॉप को खोलेंगे और देखेंगे कि फैन में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से फैन नहीं चल पा रहा है। आप देखोगे हमारा फैन जाम हो रखा है और इसमें आप देखो ये कुछ फंसा हुआ है, कोई स्टिकर आपको दिख रहा है इसमें फंसा हुआ है, जिस वजह से ये हमारा एरर आ रहा है। हमने आपको वीडियो खोलने से पहले ही आपको बताया था इसमें कुछ ऐसा भी हो जाता है, कुछ फंस जाता है जिस वजह से हमारा फैन बंद हो जाता है। यदि आपके पास भी कोई लैपटॉप है और फैन का इशू आ रहा है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर दिखा सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स दिल्ली एनसीआर का नंबर वन लैपटॉप सर्विस सेंटर है, जो कि लैपटॉप की क्लीनिंग वगैरह, फैन रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। लैपटॉप के फैन के इशू को हमें सीरियसली लेना चाहिए। अभी आपने देखा कि इस लैपटॉप के फैन में एक कागज का टुकड़ा फंसा हुआ था जिसकी वजह से फैन सही से नहीं घूम पा रहा था। हमने अब हम इस फैन की क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा फिट करेंगे। इसके वायर का हमें ध्यान रखना चाहिए, यदि ये ऊपर आ जाएगा तो कटने के चांस रहते हैं, इसलिए इसको साइड में ही रहना चाहिए। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें दिखा सकते हैं। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं और हमारा लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करने का सक्सेस रेट 80-90% तक है। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है या कोई मदरबोर्ड है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम इस लैपटॉप को बंद करेंगे, लेकिन इसको कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले चेक करेंगे कि लैपटॉप में फ़ैन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जैसे कि पहले फ़ैन की एरर आ रही थी, वह अब तो नहीं आ रही है। ये आप देखोगे अब हमारी मशीन डायरेक्ट ऑन हो गई है, जैसा पहले एरर आ रहा था वो एरर खत्म हो गया है। तो इस प्रकार कोई भी समस्या आपकी फैन के रिगार्डिंग, फैन सर्विस में भी हो जाता है, कोई फैन नहीं मिलता है तो वो रिपेयर भी हो जाता है। हर प्रकार के फैन सूरज कंप्यूटर्स पर अवेलेबल है, कुछ अरेंज कराने पड़ते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं, कुछ ऑर्डर पे आते हैं। तो फैन की कोई भी समस्या हो, और हम एक बात और इस वीडियो में आपको बताएंगे, जब आप लैपटॉप के फैन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप लैपटॉप को यूज ना करें, क्योंकि इसी फैन की वजह से सारा कूलिंग सिस्टम होता है इसका। थोड़ा भी ये हीट होकर चल गया तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं, तो इसलिए आप यूज ना करें अपने लैपटॉप को जब आपके फैन में कुछ प्रॉब्लम हो। कोई भी इमरजेंसी काम हो, ज्यादा देर मत चलाएं, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट के लिए चला सकते हैं, रेगुलर यूज मत करें, मशीन बंद होने लगेगी और मशीन में कुछ प्रॉब्लम भी, हार्डवेयर इशू भी आपको आ सकता है। धन्यवाद।